पुण्यात कोरोना विषाणू बाधित 9 रुग्ण आढळल्याने नागरिकांमध्ये घबराटीचे वातावरण निर्माण झाले. खबरदारीचा उपाय म्हणून नागरिक मास्क आणि सॅनिटायझर खरेदी करण्यासाठी मेडिकल स्टोअर्समध्ये गर्दी करत आहेत. या परिस्थितीचा फायदा उठवत बहुतेक औषध विक्रेत्यांनी ग्राहकांची लूट सुरू केली आहे. वाढीव दराने मास्क आणि सॅनिटायझर विकून ग्राहकांची लूट करणाऱ्या 4 औषध विक्रेत्यांवर अन्न आणि औषध प्रशासनाने कारवाई केली आहे. ही कोरोना सदृश जो परिस्थिती आहे उसको कंट्रोल करने के हिसाब से हम लोगों ने 4 से 5 दिन में करीबन 165 तपासनी इंस्पेक्शंस किए हैं और उसमें जो 4 लोगों के बारे में जो तकरार प्राप्त हुई थी 4 केमिस्ट के बारे में, वो 4 केमिस्ट उसमें 2 केमिस्ट ने ज़्यादा रेट से मास्क का बिक्री किया है और 2 लोगों ने बोगस सैनिटाइज़र बेचा है. तो वो सिलसिले में 4 मेडिकल का हमने स्टॉप सेल दिया है उनको और उनको शोकॉज नोटिस आज ही चला जाएगा. शोकॉज नोटिस देके उनके लाइसेंस के ऊपर हम लोग कार्रवाई करेंगे. उसमें वो 4 मेडिकल के नाम है, महालक्ष्मी मेडिकल्स मारूंगे, न्यू पूजा केमिस्ट कोथरूड, मेट्रो मेडिकल करवीनगर, ओम केमिस्ट गोखले नगर, ये सभी पुणे के. जो मास्क है वो मास्क किस प्राइस में नॉर्मल होना चाहिए, तो किस प्राइस पर ये N95 मास्क के बारे में तकरार प्राप्त हुई थी जिसमें 150 रुपये का मास्क वो 300 रुपये में बेच रहे थे. सैनिटाइजर सैनिटाइजर जो है वो जिसके ऊपर मैन्युफैक्चरिंग लाइसेंस नहीं है, जो बिना मैन्युफैक्चरिंग लाइसेंस से बनाया गया ऐसे जो सैनिटाइजर्स थे उनको उन्होंने बिना बिल से खरीदी किया था और बिना बिल से उसको बेचा था. लोगों से क्या अपील करेंगे, किस तरीके की कंप्लेंट्स होंगी? हाँ, आप जब भी सैनिटाइज़र या मास्क खरीदी करेंगे तो स्पेशली सैनिटाइज़र के बारे में उसके ऊपर मैन्युफैक्चरिंग लाइसेंस नंबर, प्रॉपर मैन्युफैक्चरिंग लाइसेंस नंबर, मैन्युफैक्चरर का प्रॉपर एड्रेस है या नहीं है इसकी वेरिफिकेशन किया जाए. और अगर कुछ और उसे परचेस करते वक्त उसको बिल में ही खरीदना चाहिए ताकि वो ट्रेस करने में FDA को भी आसान रहेगा. अगर किसी को शक है, कंप्लेंट है, तो वो FDA पुणे ड्रग @gmail.com पर कंप्लेंट कर सकते हैं अलॉन्ग विथ फोटोग्राफ्स. उसका हम लोग स्ट्रिक्ट एक्शन लेंगे. पुण्यामध्ये करोना व्हायरस दाखल झाला आहे, तर त्या करोना व्हायरसपासून बचावासाठी सॅनिटायझर तसेच मास्क ह्या गोष्टी विकत घेण्यासाठी लोक मेडिकलकडे धाव घेत आहेत. पण काही मेडिकलवाले ह्या गोष्टीचा गैरफायदा घेत मास्क आणि सॅनिटायझर दुप्पट तिप्पट किमतीने विकत आहेत. तर अशीच एक घटना कर्वेनगरमधल्या प्रिन्स मेडिकलमध्ये घडत होती. अधिकाऱ्यांच्या लक्षात आल्यानंतर त्यांनी ह्या ठिकाणी हे कर्वेनगरमधलं मेडिकल शॉप जे आहे ते काही दिवसासाठी बंद करण्यात आलं आहे. ते किती दिवसासाठी बंद करण्यात आलं आहे, कशा पद्धतीने बंद करण्यात आलं आहे, तसंच पुण्यातही कुठल्या ठिकाणी ते कशा पद्धतीने ते ह्या गोष्टी राबवणार आहेत, अन्न प्रशासन अधिकारी प्रत्येक मेडिकलमध्ये जाऊन कशा पद्धतीने छाननी करणार आहेत आणि लोकांपर्यंत कशा पद्धतीने स्वस्त सॅनिटायझर आणि मास्क मिळतील ह्याबद्दल ते जागरूक होणार आहेत. कॅमेरामन प्रीतीप देशपांडेसह मुकुंद कदम, दिनमन न्यूज, पुणे.